दोनों बिल्कुल एक परिवार की तरह लग रहे थे। ऐसा लगा कि बस मैं गई नहीं और परिवार एक हो गया। बस मेरा जाने का इंतजार कर रहे थे। इतने महीनों से मैं उन दोनों के बीच में खड़ी हुई थी। बाबा, अर्जुन अपने परिवार के साथ बहुत खुश है वहाँ। नहीं होगी। नहीं बाबा, आप मुझे कुछ मत समझाइए। अब मुझे नहीं पता कि आगे मेरे साथ क्या होने वाला, पर मैंने सोच लिया है कि मैं अर्जुन को रोज दे दूंगी। मेरे साथ क्या होगा मुझे नहीं पता, पर कम से कम अर्जुन तो खुश रहेगा अपने परिवार के साथ। सुन मेरी बात, इस तरह से जल्दबाजी में किसी भी तरह से कंक्लूजन पे आना ठीक बात नहीं है बेटा। पहले हम इश्यू को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है। वाकई में अर्जुन तुझे धोखा दे रहा है, और अगर उसके बाद भी तुझे ऐसा लगता है कि तुझे उसे डिवोर्स देना चाहिए तो मैं तुझे सपोर्ट करूंगा। तू जल्दबाजी में कोई फैसला मत ले, और बेटा सुन, मुझे प्रॉमिस कर, जब तक ये इश्यू सॉल्व नहीं हो जाता तब तक तू कोई भी ऐसा वैसा कदम नहीं उठाएगी। प्रॉमिस कर। ठीक है बाबा, मैं कुछ नहीं करूंगी। बाय। क्या हुआ बोल मानो, क्या हुआ? अरे बताना मानो, क्या कहा हुई ने? अरे बोल ना, क्या कहा उसने? ओवी ने अर्जुन से ऑनलाइन बात की। हाँ। और अर्जुन ओवी से कह रहा था कि वो उसके पास वापस चली है, लेकिन उसी वक्त परी और पूर्वी को अर्जुन के कमरे में देख ली। मैंने और सुलोचना ताई ने इतना समझाने के बाद भी पूर्वी अर्जुन से मिलती है, मैं जाके उसको बराबर सबक दिखाऊंगी। तू देखना ये आजी क्या करती है। आई सुशांत, पूर्वी से बात करने का कोई मतलब नहीं, मैं सीधे जाकर अर्जुन से बात करता हूं। एंड सो एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी नीड टू रिवर्क द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ प्रोजेक्ट एंड ऑल्सो वी नीड टू डिजाइन इनोवेटिव लिविंग एस्पेक्ट्स। ओके, सो इन दिस केस वी जस्ट नॉट। बाबा चेनी तुम जाओ, आई कॉल यू बैक। आइए ना, बैठिए। बैठने नहीं आया हूं मैं यहां पर, तुमसे बात करनी अभी इसी वक्त। मैंने तुमसे पहले भी कहा था, अभी भी कह रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम ओवी। तुम बार बार क्यों उसके जज्बातों के साथ खेल रहे हो? पापा एक सेकेंड, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने किया क्या है? किया क्या, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्यों बार बार मेरी बेटी को हर्ट कर रहे हो तुम? पापा एक सेकेंड, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप ये सब क्यों कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कल रात पूर्वी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर पर थी। बाबा आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे? थी या नहीं? हाँ थी, लेकिन उसका इन सबसे क्या लेना देना है बाबा? अर्जुन तुम अच्छी तरह से जानते हो ओवी ने घर क्यों छोड़ा, क्यों वो कनाडा चली गई, फिर भी तुम अपनी हरकतों से बाहर नहीं आ रहे हो। अभी भी तुम्हारा पूर्वी के साथ मेलजोल जारी है। बाबा कम से कम अपना एक वचन तो निभाओ अर्जुन, क्यों बार बार मेरी बेटी को तकलीफ पहुंचा रहे हो तुम? खैर तुमसे तो कोई भी उम्मीद रखना बेकार है, तुम्हें जो करना है तुम करते रहोगे। खुले आम ना सही तो चोरी छुपे, वो तो अच्छा हुआ ओवी ने मुझे सब कुछ बता दिया, वरना मुझे इस बात का पता ही नहीं चलता। आपको ये सब ओवी ने बताया? हाँ, उसी ने मुझे बताया कि जब तुम कल रात को उसके साथ वीडियो चैट कर रहे थे तब पूर्वी तुम्हारे बेडरूम में। ओह माय गॉड, इसका मतलब वो भी अचानक ऑफलाइन इसलिए चली गई थी क्योंकि उसने पूर्वी को वहां देखा था। ओह गॉड। अर्जुन मैंने मेरी बच्ची को एक महीने का वक्त दिया था, सोचा था कि इस एक महीने में हालात सुधर जाएंगे, तुम दोनों का रिश्ता फिर से, लेकिन तुम
तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा ये रिश्ता सुधरे, तुम कदर नहीं करते इस रिश्ते बाबा। और तुम तो तुम लोग, पूर्वी भी सुलोचना आई और मेरी आई ने पूर्वी को तुमसे मिलने के लिए मना किया था, फिर भी बार बार वो तुमसे मिलने आती है। बाबा आप मेरी बात सुनेंगे, मुझे अपनी बात करने का एक मौका देंगे प्लीज? क्या कहना चाहते हो तुम? कल रात को पूर्वी मेरे घर पे थी, लेकिन उसे अपने घर पे मैं नहीं लाया था, उसे डैड वहां पर छोड़ के गए। ठीक है सर। हाँ डैड जब कल गैलेक्सी मॉल की मीटिंग पे गए थे तो डैड ने परी और पूर्वी को किसी बस स्टॉप पे देखा, तो उन्होंने उन्हें घर छोड़ दिया। यकीन मानिए मुझे नहीं पता था कि पूर्वी मेरे घर पर आ रही, और ड्राइवर के आने के बाद मैंने इमीडिएटली पूर्वी को अपने घर वापस भेज दिया, उसे छोड़ने मैं भी नहीं गया। अगर इसके बाद भी आपको मेरी बात पर विश्वास नहीं होता बाबा, तो खुद को सच्चा साबित करने के लिए मेरे पास इसके अलावा और कोई सबूत नहीं। जो हुआ जैसा हुआ, हुआ तो गलत ही ना, तुम खुद ही सोचो अर्जुन। अगर तुम्हारे कहने पर ओवी वीडियो चैटिंग करने के लिए राजी हो गई तो इसका मतलब वो अपने रिश्ते को एक और मौका देना चाहती है, वो पॉजिटिवली सोच रही है इस रिश्ते के बारे में। लेकिन अगर ऐसे में उसने पूर्वी को तुम्हारे बेडरूम में देख लिया तो सोचो उस पर क्या बीती होगी। पापा वही तो गलतफहमी है, और इसी गलतफहमी को तो दूर करना है। और अब मुझे समझ में आ रहा है कि वो मुझसे बिना बात किए मुझे बिना कुछ कहे क्यों ऑफलाइन चली गई। लेकिन मैं बात करूंगा, मैं उसे फिर से समझाऊंगा, फिर से कोशिश करूंगा। इट्स बिकॉज आई वॉन्ट दिस टू वर्क। मैं भी यही चाहता हूं अर्जुन, लेकिन अब बात मेरे हाथ से निकल चुकी है। मैं चाहकर भी उसे कन्विंस नहीं कर सकता कि तुम गलत नहीं हो। को कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि इसके बाद जो कुछ भी करना है मुझे करना है, मैं करूंगा। आई विल डू इट। नहीं, तुम अभी तुरंत कुछ नहीं करोगे, उसे अपनी स्पेस में रहने दो, शांत होने दो उसे, ये वसंत आए वक्त दो उसे। ये इक्वेशन ये तो मैंने तुझे कल ही समझाया था, फिर आ गया तो सेम इक्वेशन लेके। ये देख 3x - y = 7, x + 4y = 11, सॉल्व दिस इक्वेशन। ताई इतने लंबे लंबे इक्वेशन में कैसे याद रखूं? पता नहीं मैं कब सीख पाऊंगा। रोज रोज रिवीजन करेगा ना तो अपने आप सीख जाएगा, समझा? अरे गौरी, अरे बेटा चार सीटी हो गई कुकर की, बंद कर गैस को। हाँ बाबा करती हूँ बंद। ताई ये डॉक्टर इंजीनियर बनने का कोई आसान रास्ता नहीं है, मतलब क्या मैं मैथ्स पढ़े बिना डॉक्टर या इंजीनियर नहीं बन सकता? नो मैथ्स नो डॉक्टर नो इंजीनियर, समझा? ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है? बस अपनी नौटंकी बंद कर अब तू। जितना टाइम टीवी देखने में लगाता है ना, अगर उतना टाइम पढ़ाई में लगाएगा तो अपने आप याद हो जाएगी, समझा? अगर गौरी सिट्टी। हाँ हाँ पापा, कुकर भी बंद कर दिया और गैस भी बंद कर दिया। गौरी कल रात को देर से आई और आज सुबह हुई नहीं कि फिर से काम पे जाने के लिए तैयार हो गई। ओहो भाई बहुत सारा काम पड़ा है वहाँ पे। भाई तूने मेरे कपड़े धो दिए? मैंने तुझे कितनी बार कहा है ना कि मेरे कपड़े मत धोया कर। क्यों, मैं अपनी बेटी के लिए इतना काम भी नहीं कर सकती क्या? बेटी शाम को तू इतनी थकी हारी घर पे आती है ना कि मुश्किल से खाना खाने के लिए वक्त निकाल पाती है, ऐसे में तू कहाँ अपने कपड़े धो पाएगी? तो मैंने धो दिए। और वैसे भी ये जो तेरे कपड़े है ना जिसके ऊपर दाग लगे थे चाय के, उसको निकालना जरूरी था वरना वो पक्के हो जाते। आई मुझे ना इस चाय के दाग की याद मत दिला, बीच सड़क में एक मवाली चाय पी रहा था और उसने मेरे ऊपर चाय गिरा दी। अगर तूने उसके साथ झगड़ा वगड़ा तो नहीं किया ना? नहीं बाबा, गलती उसकी थी। इसका मतलब तूने उसके साथ झगड़ा किया? रे देवा, ये लड़की डॉक्टर बन गई है फिर भी छोटी छोटी बात में सबके साथ झगड़ा करती रहती है। आई तू तो जानती है ना, अगर गलती सामने वाली की हो तो मैं किसी की नहीं सुनती हूँ। और वैसे भी छोड़, मुझे उसके बारे में बात करके ना अपना टाइम नहीं खराब करना है। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रही, बाय। हाँ ताई, ताई तूने अपना नाश्ता तो किया ही नहीं। ओफो मैं तो भूली गई, एक काम कर हॉस्पिटल में डब्बा लेके आ जाना, बाय। अरे देवा, अरे बेटा सुन ना, मैं अभी 2 मिनट में तुझे डब्बा पैक करके देती हूँ। नहीं आई, लेट हो रही है। हाँ अब क्या करूँ मैं इस लड़की का, जब भी देखो हवा पे सवार रहती है, हमेशा सबके बारे में सोचती है लेकिन अपने आप को ही भूल जाती है। तो तुम क्या कह रहे हो मैनू, तुम ये प्रोजेक्ट छोड़ना चाहते हो? हाँ सर, मैंने बहुत सोच समझ कर ये डिसीजन लिया है। और उसकी एक ही वजह नजर आती है मुझे, अर्जुन। राइट,
वरना मुझे समझ नहीं आता कि एक आदमी जो इस प्रोजेक्ट पे इतने टाइम से काम कर रहा है, इतनी मेहनत कर चुका है, वो अचानक इस प्रोजेक्ट को क्यों छोड़ेगा? क्या हो? Are you not mixing your personal life with your professional life? No, sir. I'm not mixing my personal and professional life. और मैं कभी करूंगा भी, इसीलिए ये प्रोजेक्ट मैं छोड़ना चाहता हूँ। सर आप तो जानते ही, मैंने हमेशा से दिमाग से ज्यादा दिल से काम लिया और मैं पूरे दिल से इस प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर पाऊंगा। फाइन देन, लेट्स ड्रॉ अ फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे नाम से। सर फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट मेरे नाम पर? मैंने फैसला किया है कि इस प्रोजेक्ट से अर्जुन को निकाल दिया जाए। सर सर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? सर अर्जुन ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। सर सर ये उसके साथ अन्याय होगा। सर और तुम जो कर रहे हो वो तुम्हारे साथ अन्याय नहीं। इस प्रोजेक्ट पे तुमने इतना काम किया है, यू नो द क्लाइंट, दिस प्रोजेक्ट इज योर बेबी। जिन क्लाइंट्स के साथ हम डील कर रहे हैं तुम उन्हें अच्छी तरह से जानते हो, उनकी कमजोरियां जानते हो। इस प्रोजेक्ट की सक्सेस के लिए तुम्हारा इस प्रोजेक्ट में होना बहुत जरूरी है। मैं ये फैसला जज्बाती होकर नहीं कर रहा हूँ। हम लोग कोई डिसीजन लेने से पहले अर्जुन से बात करेंगे। आई एम श्योर तुम भी ये चाहोगे कि अर्जुन की राय क्या है, ये तुम्हें पता है। यस सर। जेनी गैलेक्सी मॉल की फाइल जरा मेरे पास लिखे हो और अर्जुन से कहना आई लाइक टू सी। लेकिन सर अर्जुन सर तो कनाडा के लिए निकल चुके हैं। What? हाँ कल रात की फ्लाइट थी उनकी। क्या हुआ सर, सब ठीक तो है ना? अर्जुन कनाडा चला गया। कनाडा क्यों और कब? क्यों गया है आई डोंट नो, कल रात को। सर वो ऐसा कैसे कर सकता है? इतना बड़ा फैसला आपको बताए बगैर कैसे ले सकता है वो? आई डोंट नो मानव, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो क्या करना चाहता है, आई एम एट अ लॉस। सर मैं जानता हूं वो डेफिनेटली ओवी से मिलने गया होगा। मैंने उसे मना किया था फिर भी वो। सर जब जब ओवी ने अपने लिए वक्त मांगा है तब तब उसे वो वक्त देना जरूरी होता है और उसके बाद खुद ब खुद वो शांत हो जाता है। पता नहीं सर मुझे डर लग रहा है कि कहीं अर्जुन की ये हरकत ओवी को हमसे इतना दूर न ले जाए कि उसे वहां से वापस लाना मुश्किल हो जाए। हेलो मैं डॉक्टर गौरी शाहने बोल रही हूँ। आपको मालूम है आपके यहाँ पे मेडिकल का स्टॉक ना होने की वजह से कितने पेशेंट्स इफेक्ट हो रहे हैं? इस लापरवाही के लिए मैं आपके मेडिकल काउंसिल में कंप्लेन कर सकती हूँ, समझे? प्लीज दवाइयाँ भिजवाइए। एक्सक्यूज मी, क्या हम एक दूसरे को जानते हैं? डीएवी कॉलेज मुंबई, गौरी शाहने साइंस स्टूडेंट। कॉलेज इलेक्शंस में जिसकी लीडरशिप क्वालिटीज देख के हम सब सरप्राइज रह जाते थे। नहीं पहचाना? नहीं। अरे बैडमिंटन कंपटीशन, हमने गार्गी कॉलेज को बैडमिंटन कंपटीशन में साथ में हराया था। ओ यस, पूर्वी, पूर्वी देशमुख। हाँ। व्हाट अ स्मॉल वर्ल्ड, कैसी है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तू कैसी है? और लगता है बड़ी डॉक्टर वॉक्टर बन गई है। हाँ और तूने भी तो शादी कर ली है ना, कैसी चल रही है तेरी गृहस्थी? अच्छी चल रही है, मेरी एक बेटी भी है। वाओ दैट्स ग्रेट, कहाँ है वो? मिलना है मुझे उससे। वो अभी घर पर है अपने बाबा के साथ। और तू बता तेरे घर पे सब कैसे? वो तेरा छोटा भाई है ना अतुल, वो कैसा है? अरे याद है तुझे उसके बारे में? और क्या, उस शरारती को भला कोई कैसे भूल सकता है? अरे वो बिल्कुल ठीक है, इनफैक्ट उसकी शरारतें तो अब और भी बढ़ गई हैं। अच्छा तो बता ना तू कौन से हॉस्पिटल में काम करती है? सिटी हॉस्पिटल। सिटी हॉस्पिटल? सिटी हॉस्पिटल में तो मेरी आई भी एडमिट है। क्या, तेरी आई सिटी हॉस्पिटल में? क्या हुआ है उन्हें?
वो एक्चुअली आई को गोली लगी थी। पिछले डेढ़ दो महीने से वो हॉस्पिटल में है, कोमा में है। आई को गोली, कोमा में, उनका नाम क्या है? अर्चना देशमुख। ओ यस, अर्चना जी। हाँ, तू जानती है उनके बारे में? अरे मैं ही तो उनका केस हैंडल कर रही हूँ, शी इज माई पेशेंट। क्या गौरी, ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जरूर कुछ अच्छा होने वाला है। अच्छा होने वाला नहीं, अच्छा हो रहा है। पर तुझे अपनी आई के बारे में नहीं पता? क्यों गौरी, क्या हुआ? सब ठीक है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। तेरी आई की बॉडी ने इम्प्रूवमेंट के साइन दिए हैं। कल ही उनकी बॉडी ने रिएक्ट किया और ये खबर मैंने उनके सारे घर वालों को बुला के बताई थी, पर तू वहां नहीं थी। वो एक्चुअली मैं किसी काम से बाहर गई थी। बट इजंट दिस अ ग्रेट न्यूज? हाँ। अच्छा चल, मुझे हॉस्पिटल से कॉल आ रहा है, मैं चलती हूँ। ओके बाय। Amazing! You were too good. Thank you so much. Yeah, it's a pleasure to see you as a showstopper. Wow. Thank you. Okay, so let's go. तैयार होते हैं. चल, bye. Bye bye. Hey. Show was really nice. Very nice. बहुत अच्छा लगा. You okay? I know कि तुम मुझे इस तरह यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, लेकिन अब वो सरप्राइज ही क्या अगर मैं तुम्हें यहाँ पर बता के आ जाता, राइट? ओबी, अर्जुन क्यों आए हो यहाँ पर? मैंने तुम्हें कहा था ना मुझे अकेला छोड़ दो, उसके बाद भी तुम यहाँ आ गए। जस्ट काम ना, हम बैठ के बात कर सकते। देखो अर्जुन, यहाँ कोई नहीं जानता है कि मैं शादीशुदा हूँ, तो प्लीज ये सब यहाँ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुमने यहाँ पर किसी को नहीं बताया कि तुम शादीशुदा? How could you? और ये एक मिनट अर्जुन, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जब हम दोनों के बीच में कुछ रहा ही नहीं है तो मैं इन लोगों को क्यों बताऊं? अपने लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करूं क्या? This is ridiculous, लेकिन तुम यहाँ पे काम कर रही हो और तुमने... देखो अर्जुन, तुम्हें बात करनी है, तुम घर जाओ, मेरा वेट करो, मुझे कुछ काम है, मैं काम खत्म करके आती हूँ। आप नहीं चलेंगे? I'm sorry, ऑनर। मैं समझ सकती हूँ कि जहाँ आप काम करते थे उसी जगह पर एक अजनबी की तरह जाना। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है मिस्टी, मैं एक्चुअली मुझे भी एक इम्पोर्टेंट काम है, तो तुम जाकर आ जाओ, उसके बाद फिर मिलते हैं हम लोग। ऑनर, दो मिनट के लिए तो ऐसे मिल लीजिए। वो अभी कुछ समझती नहीं है, लेकिन अपनों का पास होना उसे फील तो होता होगा ना, प्लीज। नहीं मिस्टी, अभी मैं एक्चुअली अभी मेरी जॉब भी नहीं लगी है ना, तो मुझे बहुत अर्जेंट काम है, और अगर मैं नहीं जाऊंगा तो बॉस खामखा नाराज हो जाएगी। तो मैं काम करता हूँ, अगर मैं शाम को फ्री हो जाता हूँ तो मैं तुम्हें फोन करता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग इकट्ठे चलते हैं साथ में, ठीक है? चलो भैया। एक मिनट रुक जाओ, ये लो। हेलो, हाँ मैं हॉस्पिटल के बाहर खड़ा हूँ। नहीं, पूर्वी नहीं है मेरे साथ, मैंने बस उसे भी हॉस्पिटल के बाहर ड्रॉप किया है, और तुम टेंशन मत लो, वो इतनी जल्दी बाहर नहीं आएगी। ओके बाय।